अरे मैं लगाऊंगा मुकदमा, मैं डालूंगा हार दूंगा दादी, चली जा रास्ता निकल के। इसके नंबर पे केस करवाओ, गाली बक रहे हो मेरी बहू है भैया। अरे तो फोन तो इसका है, बहू को नाम कर लो। गाइस अभी हम आए हैं एसुस के शोरूम, अमन को के लैपटॉप खराब, इसकी वजह से हमारी वीडियो नहीं मिल पा रही है। चलो चलते हैं। देख लो कितने प्यारे प्यारे लैपटॉप है। अमन को मैं लैपटॉप दिला रहा हूँ, अमन को एडिटिंग लैपटॉप चाहिए तो सोच रहा हूँ उसे दिला रहा हूँ। माइंड इट माइंड इट माइंड इट, मैं चलना तेरे बाजार से बाहर है। चल ये चलो, ये बाहर चल। तो भाई हमने कर देगा फाइनल, ठीक तो हो सकता है गाइस जल्दी हम अपना लैपटॉप सॉरी पीसी बुक कर दें और फिर देखते हैं अमन भाई क्या पता है टाइम पे हमें दे दें वीडियोस। अमन भाई सोच रहा है, सोच रहा है, इसकी सोचने में हेल्प करता हूँ, मिलते हैं। गाइस मुझे कहाँ धीरे गलियों में ले आए, क्या भी हो तूने मुँह पे कपड़ा क्यों, तुझे बदबू आ रही है, कुछ कान करके भगेगा मुझे फंसवाएगा क्या। गाइस हम लिफ्ट में आ गए तो इट्स मैं लिफ्ट में आ गया हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कालकागढ़ी चौक, कुछ जगहों से यादें जुड़ जाते हैं गाइस। मेरे पास एक लैपटॉप था माइक्रो मैक्स का था, वो रिया को मिला था किसी कंपटीशन में ले गए थे तो वो मेरे से ख़राब हो गया था, तो यहीं पे शोरूम था उसका माइक्रो मैक्स का, मैं चेंज करा के ले गया 2-3 महीने में फ्री में, नया लैपटॉप स्वैप करके दिया उन्होंने। ऐसे मेरे अमन भाई हैं, अरे मिला था भाई कंपटीशन में मिला था, अच्छा था लैब बुक है, आज भी चलता है बहुत प्यारा, जैसे मैकबुक होती है ना छोटी सी, ऐसा लैब बुक था वो और बड़ा प्यारा चलता है, उसके पढ़ाई के लिखाई के साथ ठीक था ना। एक टाइम में हमारे पापा ने माइक्रोमैक्स का फोन लिया था, आओ तो वो सब लोग लेते थे, वो ऐसे आता था टच बढ़िया प्यारा भी था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते उसकी माँ बहन ने माइक्रोमैक्स बहुत बिका था, बीच में इंडियन कंपनी है ना, सर्विस बहुत बेकार। ये हम लोग ना क्वालिटी पे तो काम नहीं करते इंडियंस, वरना हमारा माइक्रोमैक्स कितना बिका तू भी देख ले, इंडिया माइक्रोमैक्स लावा कितना बिकता था, क्वालिटी पे काम ही नहीं किया। कभी मेरी एपी गाड़ी ऐसी पार्किंग में खड़ी होगी, खड़ी की होगी भाई, चलाएगा नहीं। अबे पार्किंग में तो खड़ी होगी ना, क्या कह रहा है, लोन ले लूँगा EMI ना, साली को चलाऊंगा ही ना, खड़ी रखूंगा ताकि कोई लेना चाहिए कपड़ा डाल के रखूंगा ताकि लोन वालों को पता ना चले कि कौन सी गाड़ी है मेरी। करते हैं लोग बाग ऐसे, अपने घर के पास नहीं खड़ी करते, दूर खड़ी करते हैं ताकि EMI वाले ना उठा ले भाई। पहली बात तो भगवान ना करे हमें EMI लेने पड़े, लेंगे तो दे देंगे पैसे, हमारा क्या। गाइस चेहरा बेकार हो रहा है क्योंकि 2-3 से आपको पता है कितना मुझे जाना आना पड़ रहा है,2-3 से मेरा दिल्ली आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है और आज मैं आया, पूरा गाने सुनाएगा, बोलेगा भी गाने सुनाएगा मैं भी। अरे मैं कह रहा हूँ अपना नंबर भेज यार, एक छोटा सा काम है ना, अपना नंबर व्हाट्सएप कर दे, बातें हो रही सुने, डायरेक्ट पहुंच जाएगा वहां तक, कट ले ले नीचे कुछ चल ठीक है, अच्छा थोड़ी देर में देख लूंगा, चले फिर चलो भाई कबाड़े काम कर लेगा, मैं करूंगा भाई, मुझे करने देते, मैं अभी तक दुकान पे ना बैठा होता, करने इतना देते, देख तो गल्ले पे बैठेगा पैसे पार कर देगा हमारे, कह रहे हैं कि चुरा लेगा पैसे। चलो भाई थोड़ा दिक्कत देखते हैं।
काली स्कूटी लेके आया पर तू भी काला तेरी स्कूटी भी काली। पापा बैठ गए इसके पीछे, वो चलाएगा स्कूटी, चलाएगा ध्यान से। पैर आ रहे, पैर पीछे कर। गाइस किसी की डेड बॉडी जा रही है, ट्रक नहीं जा रही भाई। अमन से वो अंकल ने फोन मांगा बात करने के लिए, और हमने सोचा कुछ जरूरतमंद होंगे कुछ होगी। भाई अपनी बीवी पे इतनी गंदी गंदी गाली वगैरह, तेरे घर आया ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सुना तो कुछ कहा जाना है। मैं लगाऊंगा पैसा, मैं लगाऊंगा, अरे मैं लगाऊंगा मुकदमा, मैं डालूंगा मैं अरे पैसा भाई कमा रही पैसा है यार। मेरे मकान में चली जा, मेरी संपत्ति है, मेरे बाप की संपत्ति है, मैं गलत ना बोल रहा हूँ। हाँ मेरे बाप की संपत्ति है, मेरे बाप की, मेरे दादा की, मेरे पिताजी की, मेरी जमीन मेरी है, मेरे मकान मेरे हुआ, मेरे मकान है, मेरी जमीन है। हार दूंगा दादी, चली जा रास्ता निकल कर, दादी को दिखवाऊंगा अपने भैया चौमासे में, अमन भाई तेरे पे केस होने वाला है। तेरे यार भेजो चौक में, मान लगा जो चौक भेजो यार, तेरे यार भेजो अभी खबर खबर कर दी मैंने घर यार भेज तेरे चल मरवा दे को चौक पे, आज तीन चार आज में भज गो सुन पे मजाई कर रहा हूँ भेजो चौक पे केस करवाओ गाली बक रहे हो मेरी बहू भैया। अरे तो फोन तो इसका है भैया, मैं खून दे दूंगा तुम्हें, खून दे दूंगा। तुम्हारी बहू थाने बैठती है, क्या कर दिया हमने, थाने बैठती है भैया, और बड़े बड़े लोगों में जाती है। वो थाने में बैठती है, सुन रहा है तू, अरे वो थाने में बैठा, इसने केस कर दिया तो। अरे बाकी बहन भैया मत है, मेरी गर्दन काट देना, बाबू नाम ला दियो भैया, भैया नाम ला के सुनो भैया, सुनो बात सुन, ए मेरे फोन में जाओ, मेरा नाम लाखन है, मेरे पिताजी नाम नारायण है, और मेरी बहू को नाम है कल्लो, कल्लो ने कत्तो ले जी तो ही तो भाई नौ, ठीक है हम बा को तू मार दई है, तू मार दई है नौ, कही तुम खबर खबर ही मती तुम ना नौ कह दियो मार दे नौ, जो बात कर रहा था वो हमारे फोन से बात कर रहा था, तो वो तो जो बात कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या? मेरा भैया लाखन नाम है, लाखन लाखन बदमाश। चलो यार चलते हैं, कैसा लगा आपको अंकल का मिजाज, इसकी हेल्प लेके अपनी बहू भग दी। भाई रजनीकांत जी आगे फीगो जा रही है, तो फोर्ड में फीगो और लड़की में ईगो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसको जाने दो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइस हम आ गए हैं, अमन गया है जरा गाड़ी की चाबी लेने, क्योंकि हमें गाड़ी में एक रील शूट करनी है, और वो रील आ गई होगी जब आप ब्लॉग देख रहे हो, तो जाके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़रूर देखना। तो गाइस ये हैं अमन के भैया, तो अमन तो जा रहा था जिम, रील हमने शूट कर ली है, उसके बाद भैया ने बोला कुछ खाना पीना है, तो हम जा रहे हैं आए यहाँ पे पीने। भैया लेके आए हमें कहाँ, देव दरबार, यहाँ पे भैया पीते हैं दूध की बोतल। भैया दूध अब भी दूध पीते इतने बड़े होने के बाद भी? हाँ चलो क्यों बनवा दो तेरे को, ये लो टेस्टी है, भाई ड्यू की बोतल में दूध है, बहुत टेस्टी है, तो मिला भी माउंटेन ड्यू है, ट्रक के आगे जीत है। दूध की बोतल पीने के बाद हमारे अब हम क्या पीने वाले, बादाम शेक विद आइसक्रीम।
आपका बनाया था दुबई वाला व्लॉग, जो दुबई से आए थे पिछली बार, जब हमने व्लॉग में भैया को दुबई से आए थे पिकअप किया था एयरपोर्ट से, आज भैया आए बादाम से पीने। हो गया चलो ले लेंगे। तो गाइस भैया और मैं आ गए हैं अभी खा पी के मस्त पार्क में घूमने के लिए। भैया ये भैया का डेली रूटीन है, डेली रूटीन है क्या? हाँ पार्क में घूमना, चप्पल भी उतारती, मैं तो अभी शूज़ में ही हूँ। सही है भैया, हम थोड़ा घूम लेते हैं, मैं फटाफट एक रील एडिट कर देता हूँ जो मुझे भी डालनी है 9 बजे के लिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। लो गणेश जी दर्शन कर लो, जय गणेश जी महाराज, अरे जय शिव जी महाराज, दोनों पापा बेटा साथ ही बैठे हैं। तो गाइस अभी भैया ने हमें यहाँ पे ठंडी ठंडी घास पे चलवाया, मैं बहुत टाइम बाद चलाऊँ, मुझे आ गया मज़ा। तो आप लोग भी ठंडी घास पे चला करो, माइंड तक जाती है आपकी ठंडक, दिमाग तक। तो अगर दिमाग को ठंडा रखना है तो घास पे चलो, और अभी पीने पिया है वाटर कूलर का ठंडा पानी, मस्त मज़ा आ गया। अब चलता हूँ मैं घर, भैया को घर पर ड्रॉप करके मैं चलता हूँ मुरादनगर, मिलते हैं आपसे मुरादनगर में।